الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا हर किस्म दी हमदो सना
अल्लाह जल्ला शानहु दी ज़ात अक़दस वास्ते है। दरूदो सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम आज़म, इमाम कायनात, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस अतहर आला और बाला वास्त। हज़रात ज़ीवाकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा निहायत ही फ़ज़लु करम है, उदी तौफीक खास नल अज जिस मुकाम ते जमा हुई हाँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरा और तुसां सारियां दा इस मुकाम ते जमा होना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। ईद उल अज़हा दा आज तीसरा दिन है और अयामे तशरीक विचों आज दा भी एक दिन है। कुरबानी दे दिना दे विचों बिल इतफाक आज दा दिन भी कुरबानी दा ही एक दिन है, लेकिन कुरबानी दा पहला दिन यानी यौम ईद उल अज़हा, उस दिन कुर्बानी करना अफजल है, बेहतर है। बाकी दो दिनों के अंदर भी कुर्बानी करना जायज़ है। कुर्बानी एक बहुत ही फजीलत वाला अमल है, बड़े दर्जे वाला और बड़े मकाम वाला ये अमल है। और कुर्बानी सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन सन? कुर्बानी करने वाले हर उस शख्स नू जिहड़ा कुर्बानी करना चाहता है उदे उत्ते इबात लाजम है, मलजूम है, वाजिब है, जरूरी है, अहम है कि वह शख्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे मुतालिक मुकम्मल तारफ उस बंदे नू होना चाहिए कि रब दे पैगंबर इब्राहीम कौन सन। खालिके कायनात ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर जिथे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तस्करा बड़ा आम कीता है, बल्कि कुरान पाक दा कोई एक पारा इंज दा नहीं कि जिस पारे दे अंदर हजरत इब्राहीम दा जिक्र तफसीलन या मुख्तसरन मौजूद ना हो। हर पारे अंदर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तस्करा जरूर कीता है। क्यों? सिर्फ इस वास्ते के इब्राहीम पैगंबर दी सुन्नत ते अमल करने वाले लोगों नू प्यारे पैगंबर इब्राहीम दा तरीका समझ अंदर आवे और तारफ समझ अंदर आए कि रब दे पैगंबर इब्राहीम है कौन सा। तो मैं सब तो पहला तुहाडे सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तआरुफ पेश कर लगा अल्लाह दे कुरान दी रोशनी दे विचों। पहले रब दे पैगंबर दा तआरुफ समझिए और फिर
रब दे पैगंबर दे तरीके ते अमल कीजिए। अल्लाह दा कुरान हजरत इब्राहिम दा तारफ करवा रहे, तवज्जो करना, गौर करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारे नू उदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। जेड़े कदी पहले आउंदे सन हुण बाद च आउंदे ने, दुआ करो टाइम नाल अल्लाह आउण दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो करना जरा मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद आका दा नाम आवे दरूद मोहब्बत नल प्यार नल पालो जनाबे मोहम्मद। बोलो बोलो जरा कुर्बानी दा गोश्त खादा हुण ते तुहानू बोलना चाहिदा है जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नादल खून वाला अल्लाह दा पाक कुरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा तारफ करवा गए। कौन सन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? फरमाया वत्ता खज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। अल्लाहु अकबर। लाओ खाल के कायनात ने अपने पैगंबर दा तारफ किन अल्फाज तू करवाया। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर खलीलुर रहमान दा तारफ किस जुमले तो ते किस जात तो करवाया। फरमाया इब्राहिम कौन सन? इब्राहिम साडे बेली सन। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम कौन सन? फरमाया इब्राहिम साडे दोस्त सन। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम पैगंबर कौन सन? हजरत जीवकार रब दे पैगंबर इब्राहिम अल्लाह दे बेली ते दोस्त सन। अल्लाहु अकबर। लाओ पहले पारे तो लग जाओ तीसवें पारे तक चले जाओ रब दा पूरा कुरान पढ़ के देख लो ना तुहानू ए नतीजा मिलेगा। अल्लाह दी पाक किताब कुरान पाक अंदर खलीलुर रहमान दा गल लफ्ज आया है सिर्फ रब दे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते आया है। अल्लाह ताला ने किसे नबी नू कुछ आख्या ए मेरा पैगंबर है? किसे नू फरमाया कुछ फरमाया? किसे दा नाम कुछ रखिया? लेकर रब दे पैगंबर इब्राहिम अल्लाह ताला ने अपना दोस्त होण दा इजाज़त दिता फरमाया, अपना जिगरी यार होण दा इजाज़त दिता फरमाया। गल बड़े तरीके नाल समझण वाली गे, कोई मुशरक अल्लाह दा दोस्त हो सकदा? नहीं हो सकदा। कोई यहूदी अल्लाह दा दोस्त हो सकदा? नहीं हो सकदा। कोई नसरानी अल्लाह दा दोस्त हो सकदा? नहीं हो सकदा। जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर इब्राहिम नूं अपना यार बनाया, कम अज कम तिना चीज़ां ते नफी ते आपे हो गई कि रब दे पैगंबर इब्राहिम यहूदी नहीं सन, रब दे पैगंबर इब्राहिम नसरानी नहीं सन, रब दे पैगंबर इब्राहिम मुशरिक नहीं सन। कौन सन रब दे पैगंबर? दूसरा तारफ फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वला किन काना हनीफम मुस्लिमा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। अल्लाहु अकबर। लाओ फरमाया सुनो कायनात दे लोगो दुनिया वालेओ
साडा पैगंबर इब्राहिम यहूदी नहीं सी, साडा पैगंबर इब्राहिम नसरानी नहीं सी, साडा पैगंबर इब्राहिम मुशरक भी नहीं सी, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, बल्कि रब दे पैगंबर इब्राहिम मुसलमान सन, अल्लाह दे पैगंबर इब्राहिम यक तरफा सन, यानी एक अल्लाह कोल मंगण वाले सन, इधरों भी मंग लियाओ उधरों भी मंग लियाओ, इत्थे भी झुक गए उत्थे भी झुक गए, ना ना ये तरीका नहीं रब दे पैगंबर इब्राहिम दा, ये अकीदा नहीं रब दे पैगंबर इब्राहिम दा, ये अमदाद नहीं रब दे पैगंबर इब्राहिम दा, रब दे पैगंबर इब्राहिम दा की दा की ये, रब दे पैगंबर इब्राहिम दा तरीका की ये, तरीका तुहाडी बोली अंदर दसाओ, रब दे पैगंबर इब्राहिम दा तरीका है वे कि रब सुनदा है कुल फरियादां जी, और रब सुनदा कुल फरियादां जी, अल्लाह पूरियां करदा मुरादां जी, अल्लाह आपे देवे औलादां जी, पढ़ ला इलाहा इल्ला इब्राहिम दा तरीका, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बाजू कोई मारदा नहीं, अल्लाह बाजू कोई मारदा नहीं, वो कोई डुबदे बेड़े तारदा नहीं, वो को बिगड़े कम सवारदा नहीं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दा कुरान फरमाया मैं कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना डराओ, हजरत तेजी वकार गौर कर दे जाना डराओ, अल्लाह दे कुरान दे तीसरे मुकाम ते तवज्जो करना, पहले अपना कीदा ते इब्राहिमी बना लो, पहले अपना तरीका ते इब्राहिमी बना लो, पहले अपना अमदाद ते इब्राहिमी बना लो, इब्राहिमी बनते जाओ पहले। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना डराओ, गौर कर दे जानाओ, रब दे पैगंबर इब्राहिम कौन सन, उन्हां दा तारफ कीए, एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। फरमाया कायनात दे लोगो, इब्राहिम पैगंबर सच बोलते सन, झूठ बोलते नहीं। अल्लाह दे पैगंबर जदों बोलते सन सच बोलते सन, रब दे पैगंबर जदों गल करते सन सच्ची गल करते सन, इन्ना सच बोलन वाले कि कुरान पाक अंदर अल्लाह ने अपने पैगंबर दा नाम सिद्दीक रखिया। फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, मेरा पैगंबर नबी भी है, मेरा पैगंबर सिद्दीक भी है, मेरा पैगंबर भी है ते सच्चा भी है, जबान चो सच्चा बोलन वाला भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर करना, बंदा कुर्बानी भी करे ते बंदा मन मन दे झूठ भी बोले। अल्लाहु अकबर, क्या फायदा एक पैगंबर दी गल मान ली ते दूसरी पैगंबर दी गल छड़ दिती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बंदा जनाब जानवर दी गर्दन ते छुरा
छुरी भी चलाए और जनाब खातंदर कारोबार वाला छुरा भी पकड़िया खोवे जेड़ा आवे पांच खदार दा छुरा फेर लवे जेड़ा आवे दो खदार दा छुरा फेर लवे जेड़ा आवे दस हजार दा छुरा फेर लवे ते शाम नू कवे अलहम्दुलिल्लाह आज पंजा हजार दा छुरा चल आए आज लाख रुपए दा कपला मार लिया है अल्लाह अकबर रब दे पैगंबर ते सच्चे सन अल्लाह दे पैगंबर इब्राहिम सच बोलन वाले सन अल्लाह अकबर ला तवज्जो करना डराओ हजरत तेजी वकार हजरत इब्राहिम पैगंबर दी एक और सिफत ते तवज्जो करना डराओ बड़ी प्यारी सिफत है बड़ी मिठी सिफत है बड़ी समझण वाली सिफत है रब दे पैगंबर इब्राहिम ने अपनी पूरी जिंदगी जंदर जदो भी मंगिया है के दे कुड़ मंगिया है एक अल्लाह कुड़ मंगिया है रब दे पैगंबर ने किसे गैर कुड़ कदी कुछ नहीं मंगिया अग अंदर सार जाना गवारा कर लिया है पर गैर कुड़ नहीं मंगिया अल्लाह अकबर लाओ अपना बाप छड़ देना गवारा कर लिया पर गैर उल्ला नाल मिलना गवारा नहीं कीता अल्लाह अकबर लाओ रब दे पैगंबर इब्राहिम मदद मंगदे सन ते रब कोलो मुश्किल कुशाई करवांदे सन ते अल्लाह दे कोलो हाजत रवाई करवांदे सन ते अल्लाह दे कोलो अज मैं ते तू हाकीदा बना लईए अज मैं ते तू भी मदद मंगिया करिए ते रब कोलो मुश्किल कुशाइयां ते हाजत रवाइयां करवाया करिए ते रब कोलो करवाया करिए अल्लाह अकबर ताई ते मैं दर्श देना चाहना हजरत पैगंबर इब्राहिम दा दर्श क्या है रब दे पैगंबर इब्राहिम दा की गे अल्लाह अल्लाह वाला की कहंदा मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अल मदद या खुदा मुश्किलों में सदा मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल किंदा की दा इब्राहिम दा मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अल मदद या खुदा अल मदद या खुदा हम इबादत हमेशा तेरी ही करें हम इबादत हमेशा तेरी ही करें तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे तुसे आबिदिएगी तुसे आबिदिएगी कर रहा है दुआ अल मदद या खुदा अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना डराओ रब दे पैगंबर इब्राहिम ने जदो मंगया के दे कोल मंगया उची बोलो नाम अल्लाह कोलो मंगिया अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना अल्लाह दे पैगंबर किवें मंगदे ने दरा गल सुन वालीए अल्लाह दा कुरान बयान करदा है वकाला रब्बे हजरत इब्राहिम पैगंबर नमरूद दियां जनाब फौजां नू दीन सुनाया अल्लाह दा कुरान सुनाया ते नमरूद दियां फौजां ते नमरूद ने इनकार कर दिता आतश गुलजार बन गई हजरत इब्राहिम पैगंबर नु अल्लाह ताला ने हिजरत दा हुक्म दिता ए मेरा पैगंबर इब्राहिम है इथों चला जा ते निकल जा इस इलाके दे विचों हजरत इब्राहिम पैगंबर तैयारियां करदे ने अपनी बेगम नु नाल लियाओ अपनी बीवी नु नाल लियाओ लै करके रब दे पैगंबर निकले हजरत इब्राहिम पैगंबर दी बीवी दा नाम सैयदा सारा अलैहिस्सलाम
सलातो सलाम नाल करके निकले चलते जा रहे ने चलते जा रहे ने। रस्ते अंदर एक ऐसा मुल्क आया, एक ऐसा इलाका आया, ऐसे लोगों का जनाब इलाका रियासत आई कि जिन्हों लोगों का बादशाह बड़ा बेगैरत बादशाह, पातशाह बड़ा गंदा बादशाह। उस बादशाह नू रब दे पैगंबर इब्राहिम का पता चलिया, अल्लाह अकबर लाओ, उन्हें रब दे पैगंबर इब्राहिम नू बुलाया और बुला के की कहंदे, अल्लाह अकबर जड़ी औरत तेरे नाल ना, जड़ी तेरे नाल सफर कर दी पई है की लगती है तेरी। हजरत इब्राहिम पैगंबर ने सोचिया, अगर मैं खामद क्या दिता हो सकता मेरे ते जुलम करे ते ज्यादती करे। हजरत इब्राहिम फरमा देने ही या उखती ओ मेरी भैन लगती गे, वो मेरी बहन जड़ी मेरे नाले। अल्लाह अकबर बुखारी किताबुल अंबिया दी रिवायत पढ़दा पिया वा, अल्लाह अकबर लाओ। हजरत इब्राहिम पैगंबर वापस चले गए, उस बदबख्त ने अम्मा जी सारा नु अपने कोल बुलाया। जदों अम्मा जी सारा जान लगिया, रब दे पैगंबर इब्राहिम फरमा देने, गल सुन सारा, मैं उहदे सामने गल कह दित्ती है कि तू मेरी भैन लगदी है, ते अल्लाह दी जमीन ते इस वक्त या मोमन तू ए ते या मोमन मैं आ, अपने तो इलावा मोमन कोई नहीं। अल्लाह फरमा देने, इन्नमल मुमिनूना इखवातुन, मोमन आपस अंदर भाई भाई होया करदे ने। इस वास्ते तुम्हें ही कहना कि मेरा भरा लगता है ते मैं उहदी बहन आ। अल्लाह अकबर लाओ। बादशाह दी अदालत दे अंदर अम्मा जी सारा अलैहिर रहमान तलब किया गया, अम्मा जी सारा अल्लाह ताला ने बड़ा हुसन दिता है, बड़िया खूबसूरत औरतां ने। अल्लाह बल्कि मैं तफसीर अंदर पढ़ी है कि मर्दां दे विचों अल्लाह ताला ने पूरी कायनात दा जिवें अद्धा हुसन हजरत यूसुफ नूं दिता, ए भी औरतां दे विचों पूरी कायनात दा अद्धा हुसन अल्लाह ताला ने अम्मा जी सारा नूं दिता। खूबसूरत औरत है, उस बदबख्त दा इरादा गलत हो गया, उस बदबख्त दी नियत दे अंदर शैतानियत तो दरिंदगी आ गई। अल्लाह अकबर लाओ। उन्हें अपने दस्त दराज कीते, अम्मा जी सारा वल अपना हाथ बुराया बुराई वास्ते। अल्लाह अकबर बंगले दे वासी तिरदा गिरतवान वाले, मैं बाबूदू खां अल्लाह दे घर अंदर खड़ा खां, रब्बे काबा दी कसम उठा करके कहना वा, मेरा यकीन कि जड़ा बंदा मुवाकद हुंदा है अल्लाह दी इज्जत दी हिफाजत करदा है, ओदी इज्जत नूं कुछ भी नहीं होया करदा। इधर रब दे पैगंबर इब्राहिम ने मुसल्ला डालिया ते नमाज पढ़नी शुरू कर दित्ती है ना। मुश्किलां दा हल नमाज है, परेशानियां दा हल नमाज है। जदों मुश्किल आवे ते नमाज पढ़िया करो, रब दे पैगंबर नमाज पढ़दे पैने। उधर अम्मा जी सारा कम मेरे जंदर बंद ने, इस बदबख्त ने करके अपना हाथ अगे किया, जदों हाथ अपना करीब किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी मिर्गी दी बीमारी जंदर मुबतला किया, इंदियां लत्तां ने काम करना ही छड़ दिता, मुंह दे बल जमीन ते जा गिरिए, और इहदे कोलों उठिया ही नहीं जांदा पिया, पैरां तो चलिया ही नहीं जांदा, चलना तो दूर की गल है, उठ के खड़ा ही नहीं होया जांदा, और चीखा मारन लग पिया और कहन लग पिया, सारा मेरे वास्ते दुआ कर मैं ठीक हो जावा, मैं दोबारा तेरे वल अपना हाथ बुराई वाला नहीं उठावगा। सैयदा सारा ने दिल अंदर सोचिया, अगर इत्थे मर गया ये सारे इलाके का बादशाह है, लोग कहणगे इस औरत ने साडा बादशाह मार दिते ते जुलम हो जाएगा, मेरे वास्ते परेशानी बनेगी, रब दे खलील पैगंबर वास्ते परेशानी बनेगी। सैयदा सारा ने हाथ चुके, अल्लाह अकबर अल्लाह हाथ चुके दुआ कीती और फरमा दिया ने, अल्लाह हे बदबख्त मेरे नाल वादा करदा पिया है कि बुराई दा
इरादा ने खत्म कर दिता अपने दिल विचों, अल्लाह तेनु ठीक कर दे। हज़रत ज़िवाकार रब्बे कायनात ने नु ठीक कर दिता, हजे ठीक होण दी देर गुने दोबारा अपना हाथ अगे बढ़ाया। अल्लाह ताला ने फिर उहदियां लत्तां नु खत्म कर दिता। अल्लाहु अकबर तीन दफा अम्मा जी सारा ने दुआ की थी, और तीन दफा ने बुराई दे इरादे ला बल हथ वदाम दी कोशिश कीती। अल्लाहु अकबर अल गर्ज़, और जनाब आया ते अपने जनाब फौजियां दे अंदर आके कहंदा मेरे कोल तुसी किसे इंसान नूं नहीं लै करके आए जे, ये ते कोई मुकर्रब फरिश्ता लगदा है जिहदी हिफाजत रब वल्लों हुंदी पई है ना। अल्लाहु अकबर ते की कहंदा है, सारा मैं जो भी कीता मैनू अल्लाह बाप ते माफ कर दे, ते मैं तेरे बारे जिहड़ी बुरी नज़र रखी है ना, इस नजर दे बदले दे अंदर मैं तेनू अपनी बेटी तेरी गुलाम बना के गलदा पियावा। मेरी बेटी हाजरा, मेरी बेटी हाजरा अज तो बाद तेरी खिदमत करया करेगी। मेरी बेटी हाजरा अज तो बाद तेरी नुकरानी होएगी। अल्लाहु अकबर सैयदा सारा भी चलिया, अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी चलिया। जदों पहुंचियां ते की वेखिया, रब दे पैगंबर इब्राहिम नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे ने, और नमाज पढ़द्या ना आपने बुखारी अंदर दी से फाशारा बेया दे ही। हजरत इब्राहिम ने नमाज पढ़ते इशारा किया की बनया की होया, अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते अम्मा जी सारा फरमा दिया ने, रद्द अल्लाह कैदल काफिर अख्तम हाजरा या खलील। ए अल्लाह दे खलील पैगंबर, परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, तुसी भी रब अगे रोंदे पयो, मम्मी अपने मालिक अगे गिरिया जारी कीती, अल्लाह ने गिरिया जारी नू कबूल फरमा के तुहाडी इज्जत नू अल्लाह ने महफूज फरमा लिया। बल्कि मैं एक तफसीर अंदर इंज पढ़िए कि सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज तो फारग होए, और फारग होए ना तो अम्मा जी सारा सिर सुट के बैठिया ने, परेशान ने, और फरमादिया ने खलील पैगंबर हकीकत अंदर तो अल्लाह ने मैनू बचा ही लिया है, लेकिन तुसी इत्थे सो मैं उत्थे सा, पता नहीं तुहाडे दिल अंदर की गल आएगी। फरमाया सारा परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, मेरे मालक ने इत्थे बैठिया बैठिया मैनू सारा मंजर आप ही विखा चढ़िया है, ताकि सारा दी इज्जत ते दाग न रहे, पता लगा जड़ा मवाहद होवे ओदी इज्जत दी हिफाजत कौन करदा है, रब करदा है। अल्लाहु अकबर ला तवज्जो करना, हजरत ज़िवाकार आइए अकीदा ए तौहीद कबूल कीजिए, ताकि मेरिया ते तेरिया इज्जतां बच जावन, ताकि मेरिया ते तेरिया इज्जतां दी रखवाली हो जाए। मैं खैर खाई करदा पियावा, और मैं मुहब्बत दा जुमला बोलदा पियावा, और मैं अकीदत की गल पिया करना वा। मेरा अकीदा ते मेरा ईमान है, मवाहद बनना तेरा कम है, तेरे माल की हिफाजत करना रब दा कम है। मवाहद बनना तेरा कम है, तेरी इज्जत की हिफाजत करना रब्बे कायनात दा कम है। अल्लाहु अकबर ला तवज्जो करना डराओ, हज़रत ज़िवाकार रब दे पैगंबर इब्राहिम चले, चलदियाँ चलदियाँ अल्लाह दे पैगंबर अगे जा रहे ने। अल्लाहु अकबर जिथे इनिया सिफतां मैं रब दे पैगंबर दियां जिक्र कीतियां, एक सिफत और भी नोट करना अल्लाह दे पैगंबर दी। हज़रत इब्राहिम पैगंबर हलीम सन, हलीम दा मतलब की है, फरमाया इन्ना इब्राहिम ला अवाउन हलीम। फरमाया कायनात दे लोगो, साडा पैगंबर इब्राहिम हलीम है, यानी बुरदबारक है, बर्दाश्त करन वाला, दरगुजर करन वाला। इस तो ज्यादा दरगुजर करना की हुंदा है, बाप की कहंदा प्याला अर्जू मन्ना का पुत्र मैं तेनु पत्थर मार मार के रजम कर दियांगा, ला अर्जू मन्ना का मैं तेनु पत्थर मार मार करके खत्म कर दियांगा। वाह जुर्नी मलिया जे तू
बाद नहीं आएगा ते मैं तेनू इस इलाके चो कर देवांगा, जायदाद तो आख कर देवांगा, अपने घरों तेन बार कर देवांगा। किड्डे सख्त जुमले ने ते रब दे पैगंबर ने की आखिया, फरमाया सलाम अलैक अस्तगफिरुल्लाह का रब्बी इन्नहू काना बी हफिया। बाबा तुसी जो मर्जी कह लो, बाबा तुसी जिन्या मर्जी गल्ला कर लो, मैं तुहाडा बेटा कौन दिना ते हई कमांगा। अल्लाह करे सलामत रवो, अल्लाह करे रहमतां वसदियां रहन। मैं कमांगा मेरे बाप दा डेरा चलदा रवे, मैं कमांगा मैं रवां या ना रवां मेरे बाप दा घर वसदा रवे। अल्लाह अकबर, कितनी आला तबीयत इब्राहिम पैगंबर दी, कितनी मिठी तबीयत इब्राहिम पैगंबर दी। अज मेरी तेरी तबीयत किंज दिए, अज मेरा तेरा अंदाज किंज दाए। असी ते बाप नू गाल कढ़न तो नहीं रुकदे, असी ते मां नू मंदा बोलन तो नहीं रुकदे। हजरत ते जी वकार अपनी जबान अंदर नरमी पैदा करो, और अपने बाप दे सामने उच्ची आवाज नाल न बोलो, अपनी मां दे सामने बुलंद आवाज नाल न बोलो। अल्लाह अकबर। अल्लाह इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह के ताला ले फरमांदे ने, जदों मेरी अम्मी मेरे घर अंदर हुंदी सी ना, मेरा बाबा मेरे घर अंदर हुंदा सी, ते मैं कदी अपने मकाम दी छत ते नहीं सी चढ़िया किते मां बाप दी गुस्ताखी ना हो जाए। मैं उत्ते मेरे मां बाप मेरे कदमां दे नीचे किते ऐसा ना होवे कि मेरे मां बाप दी तोहीन हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अली बिन मदीनी, इमाम अली बिन मदीनी, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे उस्ताद फरमाते ने, लोगो मैं अपनी जिंदगी जंदर अपनी मां दे ते अपने बाप दे कपड़े हमेशा अपने हाथ नाल धोंदा रहा। मां दे कपड़े आप धोते, अपने बाप दे कपड़े अपने हत्थां दे नाल धोते। कैसे लोग सन। अज मां बाप की कदर दा सिला है, अज शायद तो ना दियां कबरां दे निशान भी मिट गए होवन, लेकिन अज बंगला गुगेरा दी जेरे तमीर जामिया मस्जिद मक्का जंदर इमामे अली बिन मदीनी दा तस्करा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस वास्ते कि मां बाप दे कदरदान सन। असी मां बाप नू गाड़ियां कढ़िए ते क्यों कढ़िए? असी मां बाप नू मंदा बोलने ते क्यों बोलने? अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर करना, अपने मां बाप की इज्जत कीजिए, अपने मां बाप दे तराम कीजिए। एक दे तो सबक मिलता है, रब दे पैगंबर इब्राहिम की सीरत तो सबक मिलता है। अल्लाह दे पैगंबर इब्राहिम कदर करन वाले अपने मां बाप दी। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह वाला की कहंदा है, बाप सिरा दे ताज ने हुंदे अते वीर मरन कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा अते कौन करे रखवाली। अल्लाह अकबर। लाओ हजरत जीवा कार गल सुन ले, हजरत इब्राहिम पैगंबर दी सीरत जे भी मसला निकलदा है। अज तू अपने मां बाप दी इज्जत करेगा, कल तेरी औलाद तेरी इज्जत करेगी, कल तेरी औलाद तेरा कदर करेगी। रब दे पैगंबर इब्राहिम दा बाप मुशरक, बिल्कुल सच्ची गल है। लेकिन हजरात ते जीवकार फिर भी रब दे पैगंबर ने अपने बाप दी इज्जत करके दिखाई गए। नतीजा कि निकलिया, नतीजा सुन वाला है। रब दे पैगंबर इब्राहिम मगा चुक देने ते दुआ कर देने, और फरमा देने, रब्बे हबली, रब्बे हबली मिन सालिहीन। अल्लाह मैनू बेटा दे पर नेक दे, अल्लाह मैनू बेटा दे पर साले बेटा दे, अल्लाह मैनू बेटा दे पर चंगा बेटा दे। अल्लाह अकबर। ते रब ने की फरमाया, हवा दाई फा बशरना हो
फबशरना को बे गुलाम ना अलीम। इब्राहिम तुम ही हलीम है ते तेरा बेटा भी हलीम होएगा। तू अपने बाप की कदर करन वाले तेरा बेटा तेरी कदर करन वाला होएगा। जेड़ी सिफत बाप दी ओही सिफत बेटे दी। हजरत इब्राहिम भी हलीम ने ते रब दे पैगंबर इस्माइल भी हलीम ने। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दराओ। रब दे पैगंबर इब्राहिम दी उम्र तकरीबन 85 साल दी है ना। 85 साल दी उम्र दे अंदर की बनदा है। बंदे दे सिर दे वाल सफेद हो जांदे ने, दाढ़ी सफेद हो जांदी है। रब दे पैगंबर इब्राहिम दाढ़ी नूं मेहंदी लगाण वाले। नबी पाक फरमांदे ने सब तो पहला सफेद बाला ते दाढ़ी ते जनाब मेहंदी लगाई ते इब्राहिम पैगंबर ने लगाई। अल्लाह अकबर लाओ। 85 बरस दी उम्र दे अंदर अल्लाह ताला ने आप नूं बेटा अता कीता। रब्बे कायनात ने आप नूं पुत्र अता कीता। अल्लाह अकबर लाओ। अल्लाह फरमांदे ने फलमात बालागम आहु साया। जदो बेटा चलण जोगा हो गया, दौड़न जोगा हो गया, इंज समझो रब दे पैगंबर बारों कम काज तू आया कर दे सन। दरवाजा खोलिया कर दे सन ते इस्माइल दौड़ के अपने बाप दे सीने न लगिया करदा सी। फलमात बालागा मां हुसाया। जदो रब दे पैगंबर दा बेटा दौड़न जोगा हो गया, दौड़ करके अपने बाप दे सीने ते लेटन जोगा हो गया, अपने बाप दी उंगली पकड़ करके नाल टुरन जोगा हो गया। अल्लाह अकबर लोगो जान दियो ना, छोटा बच्चा फौत हो जाए बड़ा दुख हुंदा है। दो दिनां दा, चार दिनां दा, पांच दिनां दा, दस दिनां दा, महीने दा, चार महीनियां दा बच्चा फौत तो जाए मां बाप नू बड़ा सदमा खुंदा है। लेकिन अगर बच्चा चलन फिरन जोगा हो जाए, वो जनाब नसन दौड़न जोगा हो जाए, जदों ऐसा बच्चा फौत हो जांदा है ते मां बाप नू बड़ा याद आंदा है। हदी उहदा हसना याद आंदा है, हदी उहदा दौड़ करके सीने न लगना याद आंदा है ना। वाह इब्राहिमा मैं तेरी अजमत तो सदके जावा, वाह मेरिया मालिका मैं तेरिया बेपरवाहियां तो सदके जावा। तू आसमान ते आवे ते किवें आजमाना है। हजरत इब्राहिम पैगंबर दा बेटा दौड़न जोगा हो गया है, अल्लाह भजन नसन जोगा हो गया है ना। रब दे पैगंबर इब्राहिम रात नूं सुते पैने, ख्वाब आया, ख्वाब अंदर की वेखिया। लोगो नबी दा ख्वाब भी वही होया करदा है ना। नबी नूं जिहड़ा ख्वाब आंदा है वो अल्लाह भी वही होया करदा है ना। रब दे पैगंबर ने ख्वाब की वेखिया, ख्वाब अंदर अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चलांदे पैने। अल्लाह अकबर एक दिन ख्वाब वेखिया, चुप रहे ना ना किसे अगे लियाओ। इस दिन दा नाम यौम तरविया पै गया। तरविया दा मतलब वेखण दी रात, ख्वाब वेखण दी रात। अल्लाह ताला ने दूसरी रात ख्वाब दोबारा दिखाया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर चुप रहे। इस दिन दा नाम भी यौम तरविया पै गया। तरविया दा मतलब ख्वाब देखण दा दिन। तीसरी रात रब दे पैगंबर ने फिर ख्वाब देखिया। तीसरे रात जदों ख्वाब देखिया ते यकीन हो गया, पहचान लिया के अल्लाह दा आदर है, पहचान लिया के अल्लाह दा हुक्म है। लिहाजा अगले दिन दा नाम पै गया यौम अराफा। मशहूर नाम है ना यौम अराफा। अराफा क्यों आखिया जांदा है? इस वास्ते आखिया जांदा है कि रब दे पैगंबर ने उदन पहचान लिया कि मैनू आने वाला महज ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह दा आदर है। मैनू आने वाला कला ख्वाब नहीं, मेरे परवरदिगार दा हुक्म है। अपने बेटे नू कोल बुलाया, हैं जे बेटा सामने आ करके बैठ गया, कैसा मंजर होएगा, हाय कैसा मंजर होएगा। रब दे पैगंबर दा बेटा सामने बैठा है, मैं मुकब्बर
मोहब्बत नाल इंज कहांगा। हजरत इब्राहिम पैगंबर ने अपने दोवें हाथ अपने बेटे दे रुखसार ते रखे होणगे और फरमांदे होणगे या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहु का फंदुर माजा तरा। ए मेरा बेटा गल सुनना, मैं ख्वाब अंदर वेख आए मेरे खत अंदर छुरी है और तेरी नरम नाजक गर्दन ने मेरे खत तो छुरी चलती पई है तेरी गर्दन ते। अल्लाह अकबर फंजुर माजा तरा। दस बेटा तेरा इरादा की है। हजरत जीवाकार कोई बंदा ना समझे कि रब दे पैगंबर ने ता पुछया। अगर इस्माइल कहेगा ठीक है ते ज़िबा कर देवांगा, अगर इस्माइल कहेगा नहीं ते ज़िबा नहीं करांगा ना, बल्कि रब दे पैगंबर ते ता पुछ दे पैने। मैं पला वेखा ते सही मेरा जिगर अपने बाप दी गल किन्नी को मंदा है, अपने बाप दा आखा किन्ना को मंदा है। अल्लाह भी यही वेखना चाहते सन। हालांकि इब्राहिम भी पैगंबर ने, इस्माइल भी पैगंबर ने, वही ते पैगंबर ते आया कर दिए। अगर वही आ सकती इब्राहिम पैगंबर ते ओ खाई वही इस्माइल ते भी ते आ सकती सी ना। अल्लाह इब्राहिम पैगंबर नु वही भेज दे गर्दन कट, इस्माइल नु वही भेज दे गर्दन कटा, ताकि बाप नु बेटे नु समझान अंदर आसानी हो जांदी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंज नहीं कीता, कल्ली वही अपने जनाब पैगंबर इब्राहिम वल भेजी गए, अल्लाह इस्माइल वल वही नहीं भेजी। अल्लाह भी देखना चाहते सन इस्माइल अपने बाप की किन्नी को ममदा है, इस्माइल अपने बाप दी किन्नी को गल ममदा है। बेटा मैं तेरी गर्दन ते छुरी चलांदा पिया वाँ। अल्लाह अकबर ते रब दे पैगंबर इस्माइल बोले फरमाया या अब उमर सताजी दुनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन। ए मेरे मौला करीमा, मैं तेरिया कुदरतां तो सदके जावा। ए मेरे अब्बा जान, तुहानू जड़ा हुक्म मिलिया करन अंदर देर ना करो, देर ना करो। अगर अल्लाह ने चाया ते मैं सबर करांगा, गर्दन कटेगी ते फिर भी सबर करांगा, छुरी चलेगी ते फिर भी सबर करांगा, खून निकलेगा ते फिर भी सबर करांगा। अल्लाह अकबर ला तवज्जो करना। हजरत तेजी वकार गौर कर दे जाना, दरा कोई छोटी बात नहीं। तुसी जानवर ज़िबा करके आए बैठे हो ना, किसी ने जानवर 10 दिन अपने घर अंदर रख के पालिया, किसी ने जानवर 15 दिन अपने घर अंदर रख के पालिया। बल्कि मेरी मजलस अंदर देहाती लोग रावी दे तशरीफ लै करके आए। अल्लाह इन्हां सारिआं नूं जदा खैर अता फरमाए। इंज दे बंदे बैठे ने जिहड़े बकरा आप लै के ते आप पालदे ने, और फिर पालन लग्गिआं मैं तिंज दा मौका भी वेखिआ। एक बकरा घरे लै करके पालिआ खुंदे ते बच्चे छोटे छोटे जनाब अखां च रोण लग पैंदे ने, घर दियां औरतां सुबां लग जांदियां ने। एक बकरा तू अपने घर अंदर पाले और फिर ओदी गर्दन ते छुरी चलावे ते तेरा हाथ कंब जांदा है। वाह इब्राहिम मैं तेरी अजमत तो सदके जावा, तू रब कोलों मंग मंग के लिया ते कट्टन लगियां तेरा हाथ नहीं कंबिया। अल्लाह दे आर्डर नूं मन लगियां, तेरे हाथ अंदर जरा जिनी हरकत जनाब नहीं आई। अल्लाह अकबर वाह कुर्बान जाइए इब्राहिम पैगंबर दी वफा तो। अल्लाह अकबर बेटा ज़िबा कौन वास्ते तैयार हो गया, बाप ज़िबा करन वास्ते तैयार हो गया, कायनात दे लोगो अल्लाह अकबर तैयारियां हो गईयां। मुफस्सरीन फरमाते ने, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह के ताला अलैह ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर अंदर सूरह साफात दी तफसीर अंदर फरमाया, हजरत इब्राहिम पैगंबर ने ना अपने दिल अंदर सोचिया कि मैं हूँ अगर ये हाजरा नू गल दस दीती तो माँ है शायद रोन लग जाए और शायद अल्लाह के हुक्म अंदर कमी वाकई हो जाए। तो रात नू फरमाया, हाजरा सुबह जल्दी जल्दी मेरे पुत्र नू तैयार कर देना, मेरा एक बड़ा प्यारा बेली है, मैं अपने बेली नू अपने पुत्र नू मिलान लैके जाना है। एक मेरा दोस्त है और उस दोस्त नाल मुलाकात करने वास्ते मैं जा रहा,
मेरा दिल कर दे मैं अपने बेटे की भी मुलाकात करवावा। ते रब दे पैगंबर इब्राहिम दा दोस्त कौन है? अल्लाह दोस्त है ना, शुरू अंदर दसिया तुहानू अल्लाहु अकबर। रब दे पैगंबर ने गलत नहीं आखिया, सही आखिया। फरमाया खाजरा जल्दी जल्दी मेरा बेटा तैयार कर दियो ना, मैं अपने यार नू मिलान वास्ते लैके जाना चाहना। तैयारियां हो गई, रब दे पैगंबर इब्राहिम जा रहे ने, हज़रत इस्माइल जा रहे ने। अक्सर बच्चे जदों घरों निकल करके तैयार होके निकल देना हो, जान दे जे मां चुम दिए ते प्यार कर दिए, और फिर प्यार करके कहती है बेटा अपने बाप नु तंग नहीं करना, अपने बाप नु परेशान नहीं करना। अल्लाहु अकबर। अम्मा जी हाजरा ने आखिए ही होए गाना, बेटा अपने बाप नु परेशान नहीं करना। अल्लाहु अकबर। ला तवज्जो करना डराओ, सैयदना हज़रत इस्माइल जा रहे ने, रब दे पैगंबर इब्राहिम जा रहे ने। अल्लाहु अकबर। शैतान बड़ा बदबख्त है, शैतान मेरा ते तुहाडा बड़ा अजली दुश्मन है। इन्हें देखिया अज बाप ते बेटा वो कम करन चले ने, जिस कम की वजह तो मालिक बड़ा राजी हो जाएगा। अज मैं क्यों ना इन्हां दोवां नूं बरगलावां ते परेशान कराओ। अल्लाहु अकबर। दोवां दे रस्ते जंदर आया, आ करके कहन लगा इब्राहिम की बन गया तैनू, बुढ़े वारे बंदे नूं बड़े बड़े अजीब ख्वाब आ जांदे ने। इहदा इह मतलब नहीं कि जिवें दा ख्वाब आ जावे उवें दा बंदा कम कर लवे। आप फरमांदे ने बदबख्ता बेटा मेरा है ते मैं उहदा बापां ते ख्वाब मैनू आई गए, छुरी मैं चलानी है ते मेरे बेटे दी गर्दन ते चलनी है, वह कटान लई तैयार है ते मैं कट्टन लई तैयार हाँ, तू कौन है? तू शैतान है। अल्लाहु अकबर। पत्थर चुके, हर पत्थर चुक करके इस बदबख्त नूं मारे, फिर अगे आया, फिर पत्थर चुके ते पत्थर चुक के मारे, फिर अगे आया, फिर पत्थर उठाए ते उठा करके मारे। आसमान तो आवाज आती है, ये मेरा पैगंबर इब्राहिम अज मेरा काम करम दी खातर, मेरा हुक्म मन्नम दी खातर इस बदबख्त नूं पत्थर मारना मेरा रब नूं इतना पसंद आया है। कयामत दियां कंधां तक लोग आंदे रहणगे, तिन्ने जगह ते शैतान नूं पत्थर वजदे ही रहणगे। अल्लाहु अकबर। बरला दस जुलहज शैतान पत्थर वजदे ने कि नहीं वजदे? कयामत दियां कंधां तक वजदे रहणगे। और बड़े बड़े कई बंदे जज्बात चाके सत पत्थर भी मार देने, फिर जुत्ती भी मार देने, पहले आ पैर ला के मारिया फिर दूजा मारिया। साढ़े एक दोस्त ने वो सऊदी आ रहे ने बड़ी देर, वो सऊदी च वापस आया तो उन्हें गल सुनाई, कहन लगे भी असी ना हज कर रहे सा, एक माई ने पहले तो मारे पत्थर, फिर होर लैके आई सी वह भी मारे, फिर जनाब इधरों आ चप्पल लाई सज्जी ठा मारी वो, फिर दूसरी ला के मारी। तो मैं आख्या अम्मा इन्ने जो मारती पई है तो शरीयत ने तीन ही पत्थर सत पत्थर मारन का हुक्म दिता है, तो तू सत कई करिया मार रही तो गल मुक गई। और कह लगी छड कारी साहब इनू सत नहीं मार रही, इनू तो मैं इन्ना कुटना जे दो तीन इनू वजिया तेन पता किमें लगू भी सकीना सियालकोटों आई सी, इनू पता तो लगे ना भी कोई आई सी पत्थर मार। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये पैर ने पत्थर इस बदबख्त नूं और कयामत दियां कंधां तक पैंदे रहणगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना डराओ। अल्लाह दे महबूब पैगंबर रब दे खलील पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैतान नु दफा कीता मरदूद नु अगे निकले, और चलदियां चलदियां उस मुकाम ते पहुंचे जिस मुकाम ते ज़िबा करम दा सही मौजूद है कि हजरत इस्माइल पैगंबर ज़िबा को जानगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कायनात दे लोगो पूरी कायनात ते सन्नाटा छा चुकिया है, हवावां थम गईयां ने ते परिंदे अपने जनाब पर रोकी खड़े ने। अल्लाह ने आसमाना ते फरिश्तियां दियां दुहाइयां पै गईयां ने, मौलाए करीम अज की बनेगा? अज बुढ़ा खलील अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चला देवेगा। अल्लाह सोहणिया कैसा अजीब मंजर है, अल्लाहु अकबर। सामने बेटा खड़ा है,
इधर बाप खड़ा है ना। हजरत इस्माइल फरमा देने ओ मेरा ओ मेरे अब्बा जान, मैं जिबा खून तो पहला दो चार गल्लां तुहाडे नाल करना चाहना। फरमा बोल मेरा बचड़ा की गल करना चाहना है। अब्बा जी सब तो पहली बात वे अल्लाहु अकबर, इत्थों जदों जाने अपने घर अंदर जा करके मेरी अम्मी जी नूं मेरा सलाम कह देना है, मेरी मां नूं मेरा सलाम पेश कर देना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। पर मैं ठीक है बेटा जिवें तू कहना नहीं होएगा। अल्लाह दूसरी बात दे वे बाबा। अल्लाहु अकबर, ज़िबा करन लगा मेरा कुर्ता उतारना है, और उतार करके कुर्ता एक पासे रख देना है ना। अगर कुर्ते समेत ज़िबा करोगे तो कुर्ते नूं खून लग जाएगा, और कुर्ता करे जाएगा ते मेरी मां को वेखिया नहीं जाएगा। इस वास्ते कुर्ता उतारो और उतार करके पासे रख दियो। अल्लाहु अकबर, ठीक है बेटा। तीसरी गल बाबा, तीसरी बात दे वे मैनु ज़िबा करम तो पहला मैनु सिद्धियां नहीं लिटाना अल्लाह, बल्कि मैनु ज़िबा कर लगिया उल्टा करके लिटाने। और मैं बेटा ए दे अंदर हिकमत की गे, और मैं बाबा जे मैं सीधा लेटा गाना मेरी गर्दन ते छुरी चलेगी, तुहाडा मुंह मेरे वल होएगा ते मेरा मुंह तुहाडे वल होएगा। तुसी मेरे वल वेखदे होवोगे ते मैं तुहाडे वल वेखदा होवांगा। जाहर गर्दन कटनी है, जदों गर्दन ते छुरी चलेगी तकलीफ ते होएगी ना, जदों तकलीफ होएगी ते मेरे चेहरे दा रंग बदल जाएगा। हो सकदा तकलीफ अंदर आ करके मैं चीख मार बवां, जे किते ऐसा ना होवे मेरे चेहरे दा रंग बदल करके बुढ़े बाप नूं तरस आ जाए, और अल्लाह दा आर्डर पूरा ना खोने पाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते दूसरी गल है वे बाबा, अगर मैनु सीधा लिटाओगे ना ये सम कटेगा ते खून निकलेगा, और खून तुहाडे कपड़िया ते पैगा। मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया तो जांदा जांदा अपने बाप दे कपड़िया नु खून ला करके जावा, मेरे बाप दे कपड़े किते खराब ना हो जान। क्योंकि मैं फरमा बरदार हाँ, मैं गुस्ताख नहीं अपने बाप दा। फरमाया बस कर मेरा बेटा इस्माइल, बस कर जा, हो सकता है तू अगली गल कर ते तेरे बुढ़े बाप दे सबब दे बंधन टूट जान। हो सकता है तेरा बुढ़ा बाप कुछ सुन ना सके, हे बाप को कोई गल बर्दाश्त ना कीती जाए। बस ओ मेरा बेटा बस कर जाए, बस मेरा बेटा दिल दियां तमन्नाओं दिल अंदर रखी, दिल दियां गल्लां दिल अंदर रखी। अल्लाह दा कुरान बयान करदा पिया है, फरमाया फलम्मा लोगो, असी अपने पैगंबर इब्राहिम नूं आदर दिता, दोवें तैयार हो गए। इस्माइल पैगंबर नूं चेहरे दे बल, फतल्लाहू लिल जबीन चेहरे दे बल उल्टा करके लिटा दिता गया। उल्टा करके लटान तो बाद हजरत इब्राहिम पैगंबर ने अपने हथ अंदर छुरी पकड़ी है ना, एक अल्लाह वाला तरप है। फरमाते ने होवे अब तैयार दोनों बाप और बेटा, होवे अब तैयार दोनों बाप और बेटा, छुरी पत्थर पे रगड़ी और हाथ हुलकूम पर रखा। अल्लाहु अकबर, पत्थर ते छुरी नु तेज कीता, और फुल्लां तो नरमो नाजुक गर्दन ते रब दे पैगंबर ने अपना हाथ रखिया, और हाथ रख के छुरी नु चलाना शुरू कीता, अपनी अखां नु बंद कीता। अल्लाहु अकबर, जोर नाल छुरी जलाई। हजरत सी वकार, छुरी होवे या अग होवे हुक्म ते रब दा ही चलदा है ना। अग तां साड़दी है जे रब वल्लों हुक्म होवे, छुरी तां कटदी है जे रब वल्लों हुक्म होवे। आसमाना तो डरा गया, ए छुरिए तू कटना नहीं, अज तू इस्माइल दी गर्दन नहीं कटना। बुढ़ा बाबा जोर लगांदा पिया है, बड़ा जोर लगांदा पिया है। गर्दन कटे अल्लाह दा आर्डर पूरा खो जाए, गर्दन कटे मेरा रब मेरे तेरा जी खो जाए, गर्दन कट जाए मेरा मालिक मेरे तेरा जी हो जाए। जोर लगाया गर्दन न कटी ती आवाज आई, फना दई नाखू, फना दई नाखू।
आखू आईया इब्राहीम कद सदक तरुया। अल्लाह दी मोहब्बत नोट करना डराओ, अल्लाह ने नहीं आखिया मैं आसमान तो जबरील ने भेजा ते जबरील ने आकर कि इब्राहीम पैगंबर नु रोकिया ना ना वर के फरमाया फना देना खुई आई इब्राहीम। तफसीरां बानिया लिखिया है अल्लाह ने अपने अरश तो आवाज मारी, अल्लाह ने अपने अरश तो आवाज मारी ओए बस मेरा इब्राहीम तू ते ख्वाबां भी पूरियां कर दित्तियां ने, इब्राहीम तू ते ख्वाबां भी सच कर दिखाइयां ने। फना देना खु आईया इब्राहीम कद सदक तर रुया इन्ना कजालिक नजिल मोहसिनी ने। हे मेरा सोना इब्राहीम मैं तेनू ख्वाब अंदर जो दसिया तू पूरा कर दिता, ख्वाब अंदर तू यही वेखिया ना कि तू ज़िबा करदा पिया है ते तू ज़िबा वाकई कीता है। अल्लाह खो अकबर गो मर्जी साडी ना, असी तेरा इम्तिहान लेना चाहते साओ, असी ते अजमैश वेखना चाहते साओ। मेरा पैगंबर इब्राहीम तू इम्तिहान अंदर इतना पास हो गया है, इतना कामयाब हो गया है कि मैं रब तेरे ते राजी हो गया वा, इन्ना को राजी हो गया वा। अज तक मैं कहता आ तू मंदा गया, हुण तू कहिंदा जा ते मैं मंदा जावांगा। रब दे पैगंबर इब्राहीम बोले अल्लाह कुछ देना चाहने जी जी मैं देना चाहना। रब दे पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी जंदर अल्लाह को दो ही चीज़ा मंगिया ने, अल्लाह अकबर अल्लाह दो ही दुआवां मंगियां ने। अल्लाह खो अकबर केड़ियां केड़ियां, मैं ते मोहब्बत अंदरा किंज किया करना वा। एक दुआ मंगी ते इस्माइल मंगया, दूसरी दुआ मंगी ते आमिना दा दुर्रे यतीम मंगया। अल्लाह खो अकबर इंज नहीं इंज कह लो, एक दुआ मंगी ते जम जम वाला मंग लिया, दूसरी दुआ मंगी ते हौजे कौसर वाला मंग लिया। अल्लाह खो अकबर समझ लो सारा कुछ मंग लिया ते रब ने भी ना नहीं कीती, रब ने भी नहीं आख्या ना ना। मेरा सुना फरमाना इब्राहीम जे तू मन के दिखाइए ते मैं रब भी मन के दिखावांगा, मैं रब भी तेन सोना पैगंबर। अल्लाह मेरा लाडला पैगंबर, मेरा प्यारा पैगंबर, मैं तेरी जद भी चो पैदा करांगा। ता ही ते मेरे पैगंबर ने फरमाया आका फरमाते ने इब्राहीम मेरे जदे अमजद ने, इब्राहीम मेरे दादा मोहतरम ने। अल्लाह को अकबर लाओ ते सानू की आखिया है, फरमाया सुन्ना तू अभी कुम इब्राहीम, फरमाया कुर्बानियां करिया करो क्योंकि कुर्बानियां तुआडे बाप इब्राहीम दी सुन्नत है, क्योंकि इब्राहीम तुआडे बाप सन, मेरे और तुआडे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन इब्राहीम? अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सर खम करने वाला, सर बकफ होकर के निकलने वाला इब्राहीम। लोगो आओ सीरत इब्राहीम उत्ते अमल कीजिए, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर इंज कामजन होकर के निकलिए कि जो जांदे चला जाए लेकिन मालिक दा आर्डर न छुटने पाए। इंज करना तुहाडा काम है, तुहाडे ते आसमाना तो रहमतां उतारना रब्बे कायनात दा काम है। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।